नए स्वरूप में एकदम आसान फॉर्मेट में जिससे आप सभी को समझ में आ सके, आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख सके, इस तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और हम आपका ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए शुरुआत करते हैं कि आज के पहला दिन का टॉपिक है इज एम आर। हम सभी जानते हैं कि इज का मतलब है, एम मतलब हूं, आर का मतलब है और हो। ये सामने हमने टेबल बना के दिया है, पहला टेबल, दूसरा टेबल और तीसरा टेबल। पहला टेबल में आई वी यू दे दीज दोज ही सी दिस दैट राम क्विक नाम है। सेकेंड टेबल में बताया गया है कि ईच एम आर में से कहां भी उपयोग होता है। टेबल जैसा देख सकते हैं, आई के साथ में एम आता है, वी यू दे दीज दोज ये सभी के साथ में आर आता है, जबकि थर्ड टेबल बताता है ही सी दिस दैट राम इस सभी के साथ में ई जाता है। अगर हम इसके सामने अगर वाक्य कैसे बनाया जाता है तो ये देखे तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। दूसरा टेबल अगर हम देखेंगे ये कि वी आर गोइंग टू मार्केट, हम सभी बाजार जा रहे हैं। दूसरा है वी आर फार्मर्स, हम सभी किसान हैं। दे आर मैनेजर्स, वे सभी मैनेजर हैं। दीज आर रीडिंग बुक्स, ये सभी किताब पढ़ रहे हैं। अगेन कुछ ले सकते हैं, दोज आर गोइंग टू मार्केट, वो सभी बाजार जा रहे हैं। थर्ड टेबल अगर हम देखें, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। शी इज ए गुड टीचर, वो एक अच्छी अध्यापक है। दिस इज पेट एनिमल, ये एक पालतू जानवर है। दैट इज ए पेट एनिमल, वो एक पालतू जानवर है। राम इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, राम एक होनहार विद्यार्थी है। अब इस तरह से हम वाक्य को बना सकते हैं। ये टेबल पहला टेबल इंडिकेट करता है एकवचन को, दूसरा टेबल इंडिकेट करता है बहुवचन को, तीसरा टेबल इंडिकेट करता है अगेन एकवचन को। तो अगर हम देखेंगे कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है तो ये टेबल हमको एकदम क्लियरिफिकेशन देता है, स्पष्ट करता है कि तीसरे टेबल में एक वचन का है, पहला टेबल एक वचन का है, दूसरा टेबल बहुवचन का है। अगर हम इसमें बता दें कि आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम सभी, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, दीज मतलब ये सभी, दोज मतलब वे सभी, अगेन ही मतलब वो, ये लड़के के लिए आता है, सी मतलब वह लड़की के लिए आता है, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह और राम कोई एक व्यक्ति के नाम के लिए। तो ये इस तरह से इज एम आर का टेबल है और इस तरह से हम अंग्रेजी में इस टेबल के जरिए वाक्य बना सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं हम आप लोगों के लिए आगे भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे।